रांची की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एक तरफ जहां झारखंड हाईकोर्ट गंभीर है, तो वहीं दूसरी तरफ नगर निगम ने भी अब इसमें ट्रैफिक व्यवस्था को स्मूथ करने के लिए पहल शुरू कर दी है। ऐसी खबर आज प्रभात खबर में छपी है कि अब 244 नई सिटी बसें जो है शहरों में दौड़ेंगी, यानी शहर से शुरू होकर शहर के एक छोर से दूसरी छोर तक रिंग रोड तक ये बसें जाएंगी। हर 10 मिनट के अंतराल में ये बसें आपको मिलेंगी और इन बसों का संचालन जो है नगर निगम की तरफ से किया जाएगा। हालांकि ये PPT मोड पर चलेंगे, यानी ट्रांसपोर्टर्स इन बसों को खरीदेंगे लेकिन इनका संचालन जो है वो नगर निगम की तरफ से किया जाएगा। भाड़ा नगर निगम की तरफ से तय किया जाएगा, रूट नगर निगम की तरफ से तय किया जाएगा। वर्तमान में 2 रूटों पर सिटी बसें चलती हैं, एक कचहरी से लेकर राजेंद्र चौक तक, जो कचहरी से लेकर अरबा टिक्का चौक होते हुए राजेंद्र चौक तक जाती है। दूसरी रूट है कचहरी से लेकर बिरसा चौक होते हुए तुपुदाना तक। तो इन 2 रूटों का में ही बसों के चलने से जो बाकी लोग हैं, 70% आबादी जो है राजधानी रांची की, वो सिटी बसों का लाभ नहीं ले पाते हैं। तो अब अगर 244 नई सिटी बसें चलनी शुरू हो जाएंगी तो ये बहुत एक अच्छी पहल होगी रांची नगर निगम की तरफ से कि लोगों को, जो आम पब्लिक हैं, उनको ट्रांसपोर्ट की सुविधा, बस की सुविधा जो है कम भाड़े में ही मिलने लगेगी, क्योंकि अधिकतर आबादी जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पर ही निर्भर करती है। लोग ऑटो, ई रिक्शा, रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, सिटी बसों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सिर्फ 2 रूटों पर बस चलने के कारण तमाम लोगों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाती है। तो अब जब 244 नई सिटी बसें चलेंगी तो उसमें कुछ इलेक्ट्रिक बसें और CNG बसें भी होंगी, तो इससे बहुत सुविधा मिलने लगेंगी लोगों को, लोग काफ़ी इसका फ़ायदा ले पाएंगे। और अभी जब ये 244 नई बसें चलेंगी तो 10-10 मिनट के अंतराल में हर रूट पर ये बसें चलेंगी। हालांकि अभी ना रूट तय हुआ है ना भाड़ा तय हुआ है, 2023 तक इससे इस योजना को धरातल पर उतारने के लिए पहल कर दी जाएगी। 2023 के अंत तक कहा जा रहा है कि बसें चलनी लगेंगी। और आपको मालूम होगा कि इस वक्त राजधानी रांची में 3-4 फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। फ्लाईओवर के निर्माण होने से पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो ध्वस्त हो गई है, लोगों को आने जाने में काफ़ी समस्या होती है। इसे लेकर अभी हाईकोर्ट भी काफ़ी गंभीर है, तमाम पदाधिकारियों को कोर्ट बुलाकर उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि इन व्यवस्थाओं को में सुधार करने के लिए उनकी तरफ से क्या पहल की जा रही है। तो एक ये नई पहल निकल कर आई है कि साल भर में अगर इन बसों, इन इस योजना को धरातल पर उतार दिया जाता है तो ये एक बड़ी उपलब्धि आप कह सकते हैं राजधानी रांची के लिए होगी। और अभी इस वक्त भी हम कचहरी के पास ही हैं, ये सिटी बसें जो हैं, तमाम सिटी बसें यहाँ से गुजर रही हैं, तो इन बसों पर लोग सवार होते हैं क्योंकि कम भाड़ा होता है, समय पर बस पहुँचा देते हैं लोगों को उनके गंतव्य स्थान तक, तो लोग काफ़ी इसका इस्तेमाल करते हैं। बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायो लेकर आए हैं नीट 2023 में अपियरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 मंथ्स क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9th January 2023। एनरोल नाउ, बायो, अ लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। द फॉलो अप डॉट इन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in